केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की है। सरकार ने 15 मार्च से पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। अच्छी बात है, घट गई तो हमारे को थोड़ा फायदा मिलेगा और लोगों के लिए भी फायदा है। कम कम है तो जिसको जिसकी कम है उसके लिए तो फायदा है। मैं रोज पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। 2 रुपए में भी बहुत फायदा हो जाता है, 2 रुपए कम होने में भी, और ज़्यादा थोड़ा पेट्रोल मिलेगा। सर ये तो बहुत बेनिफिट है इस समय पे, क्योंकि हम लोग हैं रोज के चलने वाले हैं, इसलिए हमें तो गाड़ी में डीजल डलना ही डलना है हमारा, तो हमें बेनिफिट मिलना ही मिलना है इसमें से। लगभग कितना बेनिफिट रोज का होगा? रोज का सर मान लीजिए कम से कम 200 से 300 रुपये तो बचेगा ही बचेगा कम से कम। कितना गाड़ी औसतन चलाते हैं डेली? हमारी रनिंग के हिसाब से करीबन 1000 भी चल जाती है, कभी 200 भी चलती है, कभी 100 भी चलती है। मतलब अधिकतर है कि चलनी ही है हमारी तो पर डे। हाँ, 8 घंटे 80 किलोमीटर तो चलनी ही है गाड़ी, ये तो कंफर्म है। उसके अलावा जो है जैसे हम आउट स्टेशन भी जाते हैं, हमारा दरअसल ऑल इंडिया परमिट है, तो हम आउट स्टेशन जाते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि गाड़ी 500 भी चल जाए, 1000 भी चल जाए, 1200 भी चल जाए। तो एक बड़ी राहत है। हाँ, बहुत बड़ी राहत है सर। 2 रुपये करके सर अगर मैं दिन भर में 50 लीटर भी तेल डलाता हूँ तो 200 तो वैसे ही बच गए, 100 रुपये मतलब बच गए समझो, तो और क्या चाहिए हमें। क्या रखता है इससे जनता को, महंगाई से राहत मिलेगी? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ। क्या और कम होना चाहिए था या बहुत है ना? और कम होना चाहिए। अच्छा हुआ है अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ तो आप देखते हैं महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल महंगाई में राहत मिलेगी, बिल्कुल महंगाई में राहत मिलेगी।